आपको लगता है कि ये आपके करियर का एक हाई पॉइंट होगा और इसके बाद अब आपको है कि यू नो चीज़ें दरवाजे खुलेंगे आपके लिए एंड यू विल गेट बेटर प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ दुल्हन? बिकॉज ऑफ दुल्हन यस. देखिए, आप स्क्रीन पे आए तो आप जिक्र में रहते हैं, चाहे आपका प्रोडक्ट हिट ना भी हो. और हिट और फ्लॉप तो कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता. राइट. आई फील आप कुछ चीज़ बनानी चाहिए और फिर अल्लाह मियां पे छोड़ देना चाहिए. तो फैजान होता क्या है, जिस तरह के आप कह रहे हैं कि यू राइट के दुल्हन जो था फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म दैट इट गॉट, और हमने भी क्रिटिसाइज किया, रोस्टिंग भी उसकी हुई, हर चीज़ हुई, सक्सेसफुल था. इट विल गो डाउन एज अ सक्सेसफुल ड्रामा सीरियल. उसको नंबर्स भी मिले, आईबॉल्स भी मिले, उसको रेटिंग्स भी मिली, हर चीज़ तो वो तो था. तो होता क्या है, जब शुरू के दो चार एपिसोड ट्रेंड करते हैं तो डू प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स स्टार्ट अप्रोचिंग यू देन फॉर मोर रोल्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? या अब क्या टेलीविजन का क्या सिस्टम है? लड़कियों को तो हम बात बात करते हैं इस चीज़ पे, वी टॉक अबाउट कास्टिंग काउचेज, वी टॉक अबाउट नेपोटिज्म. ऑफ कोर्स यू कम फ्रॉम अ वेरी वेल नोन सॉर्ट ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, राशिद ख्वाजा के आप बेटे हैं, सो मगर ऐसी कोई नेपोटिज्म तो मुझे नहीं नज़र आ रही आपके करियर में होती भी. मेरे करियर में आपको नज़र भी नहीं आएगी. नहीं आई. मैं अपने करियर में शुरू के 10 साल अब तक आज तक इस चीज़ को बैटल करता रहता हूँ. मुझे 10 साल में 3 दफ़ा सक्सेस मिली है. मैं 4 दफ़ा हिट हुआ हूँ. बिल्कुल. बट सक्सेस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन सस्टेन फॉर एवर. इट कम्स एंड गोज विद टाइम. बिल्कुल. सो वेन एवर इन माई करियर वेन आई स्टार्टेड माई फादर वॉज द CEO ऑफ A+ एंड आई वॉज लाहौर बेस्ड. बिल्कुल. एंड ही टोल्ड मी दैट आई डोंट वांट टू सी यू एनीवेयर नियर माई ऑफिस. राइट. And that's a very non-Pakistani thing. जी. और मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा शुरू में. My father is a very गोरा सोच के इंसान है. He lived abroad. I was born in America. I was 4 or 5, I think, when we moved to Pakistan. When my father had launched NTM. Those are the golden days of television. बिल्कुल. So what happened was my father is a self-made man. जी. He went from scratch to heights that I cannot even imagine. So he always wanted me to make it on my own because he had seen that journey himself. And I would always react to that for the first 2 years of my career. कि यार यहाँ पे सवारियाँ चलती हैं, सब कुछ होता है, कुछ मेरे लिए किसी को जानना पड़ता है to get there. तो आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो आप किसी से मिलवा भी नहीं रहे, लॉन्च तो बहुत दूर की बात है. All my life I had this thing that I was going to get launched. मैंने इंडिया में बहुत प्रोजेक्ट्स छोड़े बिकॉज़ आई वाज लाइक ड्यूड आई एम गोइंग बैक, आई एम गेटिंग लॉन्च्ड इन पाकिस्तान. आई हेटेड माय फादर फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स. हां. आई वाज लाइक यार ये क्या आदमी है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2010. या 2009-10. एंड आई लिव्ड इन लाहौर फॉर 2 इयर्स एंड आई हेटेड इट. हां. आई हेटेड इट. इतनी सी इंडस्ट्री है वहां पे, अगर 150 ड्रामा साल का बन रहा है तो 14 ड्रामे लाहौर में बनते होंगे और वो भी उनमें से 6 कराची से गए हुए हैं. हां. So, industry वहाँ नहीं है. And just to put things in perspective, आप आ रहे थे अमेरिका से और फिर whistling wood से काम करते हुए. I've grown up in Pakistan. In Pakistan. I was 4 जब NTM पे launch हुआ था. बिल्कुल. I think 95-96 में. Right. So, I moved to Pakistan as a child. As a child. I grew up in Islamabad. I was there for 7-8 years. अच्छा, इस्लामाबाद की हवा भी लगी है. जी जी. So, I was about 12 when we moved from Islamabad to Lahore. Right. NTM बंद हो चुका था. My father was trying to launch a new channel. Right. Prime Entertainment. वो भी बंद हो गया था साल बाद. So, I lived in Lahore. And then, as a teenager, I went to Bombay. Bombay. At the age of 19. Right. And I came back at 24. To Lahore. एडिटिंग आप ठीक है, एक टेक्निकल जॉब है लेकिन वो आपको टाइमिंग और चीजें बहुत सिखा देता है. So I came to Lahore, there was no work. Ek channel mere abba chala rahe the aur bas wahi kaam tha. So I moved to Karachi. Theek hai. Move karne se pehle ek to aapne Nasiruddin Shah ke bag mein to internet pe padha ki Nasiruddin Shah ke sath aapne kaam kiya, ustad the aapke. For about 2.5 years. Are you still in touch with him? Sometimes. Right. Lahore he had come. Unhone ek play kiya tha Einstein ke naam se. Ji. To I met him there. Right. Haan. तो I was one of his, he used to call me his laziest student. I remember मैंने जब अपने final exam दिया था acting में, तो it was a practical exercise. I got the highest marks in my batch. And Naseer sir
was shocked because he's like, my laziest student has scored the highest in the final exam. And he had no idea. And he in fact called the whole batch, the junior batches there, and he said, I wish all of you were here to watch this boy's exercise. So this is a very very proud moment for proud me. Moment. फिर इन 2015 आपने एक फिल्म भी वहाँ साइन की. जी, इन 2015 मेरी डेब्यू फिल्म एज एन एक्टर वाज अ फिल्म कॉल्ड बैंगस्टर, प्रोड्यूस्ड बाय ज़ीनत अमान, डायरेक्टेड बाय हिज सन, स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह. जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था ना आमना जी, मेरा एक ख्वाब था, बिकॉज आई हैड कम इन वेरी, मैं बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसिस में वापस पाकिस्तान आया था. आई वॉज इन बॉम्बे, मैं वहाँ काम कर रहा था as an actor, as an editor. Phir wo kasab wala incident hua, wahan rehna was a problem. Bilkul, after that bilkul. Being a Pakistani was a big problem. After that kaam nahi milta tha, working visas nahi milte the, so I came back. 5 years in my career and my wish comes true. Because I had never wanted to do a film with Shah Rukh Khan or Aamir Khan. I was like, agar main film karunga na, maine apne guru ke sath film karni hai. Bilkul sahi hai. And 5 years later I am in Bombay. पीछे हालात ये थे कि आज के बाद यहाँ से कोई उधर नहीं जाएगा, वहाँ से कोई इधर नहीं आएगा. बिल्कुल. और 5 साल बाद मैं बॉम्बे में बैठा हुआ हूँ और बॉम्बे के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स मुझे कह रहे हैं हमारी फिल्म साइन करें, ये करें, वो करें, और मैं फ्लोर पे हूँ एक एक्शन फिल्म पे. इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. वो अलग बात है, वो फिल्म फंस गई बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इशूज, सिनेमाज यहाँ बंद हो गए हैं, कोविड आ गया, बहुत चीज़ें हुई. वो तो फिर इंडियन फिल्म पहले बैन हो गई थी. बिल्कुल. तो या coming back to nepotism, you were saying ki wapas aake jo problems, I moved to Karachi. Ji, because mujhe Lahore nahi samajh mein aaya in terms of work. When I came to Karachi, it was very close to how people are in Bombay. And you were also telling me that there was a problem with people's attitude of you having studied in Bombay and coming back India se ab aaye hain aap. Ye mere sath ek badi ajeeb si cheez hui jab main Pakistan aaya. Ye wahid jagah hai. अब आई डोंट नो कि वो उस स्पेसिफिक जगह की बात है या इस फील्ड की बात है, आई डोंट नो, बट दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू मी. मैं अपने पहले सेट पे गया तो मैं बहुत डिप्रेस था. आई थिंक 2010 एंड 11 मेरा डिप्रेशन में गुजर गया, बिकॉज आई हैड गॉन टू बॉम्बे, आई हैड असिस्टेड बिग डायरेक्टर्स देयर, आई हैड वर्कड इन एवरी डिपार्टमेंट लिटरली. देयर वर मेनी फिल्म्स. द लास्ट वन आई थिंक वाज युवराज. स्टूडेंट्स वुड गेट डिप्लॉयड to do internships. Maine sound departments bhi kaam kiya hua hai. I've literally done everything because that's the process. Bilkul. Agar aapne actor banna hai India mein to aap sab kuch karke phir acting karenge taaki aapko sensibility samajh mein aaye. Bilkul. Aur wo difference main Pakistan mein feel karta hu. Jab main set pe jata hu to main in fact aaj kal ke junior actors ko dekhta hu to main bada hairan hota hu kyunki ab main junior khud nahi raha. I've worked 10 years. Bilkul. और मेरा ये एटीट्यूड नहीं था शुरू में. डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कम है, लोगों को यहाँ काम नहीं आता. मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उसका डायरेक्टर बेचारा किसी और चक्रों में लगा हुआ है. तो ये एक फिनोमेनन है इस मूवमेंट में, बिकॉज़ लोग बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है. मेरे हिसाब से कोई भी ढंग का प्रोफेशनल इस मुल्क में आके या तो फ्रस्ट्रेट होके घर बैठ जाता है या वो चला जाता है या वो कहता है यार कोई और काम करो. मतलब इतनी जलालत क्यों बर्दाश्त करेंगे. हमारे पास एक आर्ट है जो दिया गया है कहीं से और उसको अब हम मतलब यू नो उसको ऐसे तो नहीं आप उसके साथ कर सकते. सो एनीवे इन लाहौर जो रिएक्शंस आते थे मेरे इंडिया से पढ़ लिख के काम करने से वो ये होते थे कि अच्छा जी तुसी इंडिया तो आए हो और की सीख के आए हो तुसी इंडिया तो. एंड आई वुड बी लाइक यार ये कोई सवाल है, मतलब मैं तुम्हें 4 साल का क्या कंसेंसस दूं एक सेकंड में कि मैंने क्या क्या किया है वहाँ पे. ओ यार तुसी तो लखा रुपया जाया करके आ गए हो. ओ ख्वाजा साहब ने समझाओ यार कि पैसे जाया कर देने. एक्टिंग पे मुझे कहते थे लोग कि यार तुमने बहुत पैसे जाया किए हैं अपनी एजुकेशन पे, तुम हमसे आके सीख लेते. अब मुझे ये रिएक्शंस, मुझे ये बातें बड़ी बिजार लगती थी उस पॉइंट पे. तकलीफ दे भी होती होंगी. तकलीफ दे उस वक्त थी, आज नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द इंडस्ट्री फॉर 10 years. आई हैव सीन द अप्स एंड द डाउन्स बोथ. एंड आई जस्ट कुडंट एडजस्ट माई सेल्फ इन दैट एनवायरमेंट. आई वुड गो अप टू माई फादर एंड आई'd बी लाइक यू आर रनिंग अ चैनल, आई एम अ डायरेक्टर. इफ आई कांट एक्ट लेट मी. आई केम टू पाकिस्तान एज अ डायरेक्टर बाय द वे. मेरी स्पेशलाइजेशन एक्टिंग में थी
बट डायरेक्शन वॉज ऑलवेज अ बिगर हाई फॉर मी. जब मैंने हालात देखे पाकिस्तान में नहीं, एटीवी और इस तरह के जो अंडरडॉग चैनल्स हैं, मैंने जब हालात देखे तो मैंने कहा यार इट्स बेटर दैट आई डायरेक्ट माई सेल्फ बिकॉज देन आई टर्न आउट अ स्लाइटली बेटर प्रोडक्ट. बट देन डायरेक्शन रिक्वायर्ड एन 8-year प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग somebody else. मैंने बैठ के 2010 में मैंने प्रोसेस पूरा देखा कि अगर मैंने डायरेक्टर बनना है पाकिस्तान में तो मुझे 8 साल किसी एक आदमी को या दो लोगों को या तीन लोगों को मुझे असिस्ट करना पड़ेगा. एडी जो होता है, फर्स्ट एडी. अब फर्स्ट एडी बॉम्बे में कुछ और होता है और पाकिस्तान में कुछ और होता है. यहाँ डायरेक्शन डिपार्टमेंट अभी पूरा नहीं बन चुका. लाइक आई टोल्ड यू बिफोर वी स्टार्टेड दिस इंटरव्यू कि मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट किया, मेरे पास एडी तक नहीं था. तो मैंने ये देखा कि एज एन एक्टर मैं 4 साल में एस्टैब्लिश हो सकता हूँ. पॉसिबिलिटी है इफ आई प्ले माई कार्ड्स राइट. 8 years ओवर 4 years. राइट. एंड आई एम इन अ कंट्री वेयर आई हैड नॉट प्लान्ड एनी ऑफ दिस. राइट. इट वाज टोटली इम्प्रोव. तो मैंने चूज की एक्टिंग. ठीक है. और मैं 4 साल में एस्टैब्लिश हो गया. राइट.